आज का वरदान संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। इस तन से निहारे, तन के बंधनों से निहारे, सब संबंधों से निहारे, मैं चेतन ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, दिव्य सितारा हूँ। इस देह को मैं अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों द्वारा मन बुद्धि संस्कारों द्वारा नियंत्रित करते हो। फील करें अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, देखें मन बुद्धि में उठने वाले प्रत्येक संकल्प को। यही वो संकल्प है जो बीज है इस कर्म क्षेत्र पर किए जाने वाले हर कर्म का। ध्यान से चेक करें, मैं क्या सोचती हूँ, क्या सबके लिए मेरे मन में शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प है। क्या मेरे संकल्प स्थापना के कार्य में मदद करते हैं, कहीं माया का कोई प्रभाव मेरे मन और बुद्धि को और उनमें उठने वाले संकल्पों को प्रभावित तो नहीं करता? कहीं मेरे संकल्प व्यर्थ तो नहीं जाते? कहीं इधर उधर की बातें व्यक्तियों का परिस्थितियों का प्रभाव मेरी सूक्ष्म शक्तियों को कमजोर तो नहीं करता? त्रिकालदर्शी होकर हर संकल्प के आदि मध्य अंत को गहराई से चेक करें। ये सूक्ष्म बीज मेरी हर कर्मेंद्रिय को दृष्टि को मेरी वाणी को हर बोल को प्रभावित करता है। इन्हीं संकल्पों के आधार पर मैं हाथों पैरों
मान्य कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो, ध्यान से देखे अंदर बीच को और फील करें सर्वशक्तिमान शिव बाबा के सूक्ष्म वाइब्रेशंस को। जो मेरे प्रत्येक कर्म को श्रेष्ठ बनाने, मेरे समक्ष आ गए हैं, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की किरणें बाबा के साथ मेरे मन और बुद्धि का योग ये दिव्य शक्ति मेरी बुद्धि को मन को शुद्ध कर रही है। हर मैलेपन को, विकारों के प्रभाव को खत्म कर रही है। ईश्वरीय ज्ञान की किरणें मेरी बुद्धि में ज्ञान के अमूल्य रत्न, अमूल्य खजाना भर रही है। फील करें ज्ञान युक्त योग युक्त मन और बुद्धि को बुद्धि से निकलता हर संकल्प अब शक्तिशाली बन गया है। चार ओर संपूर्ण देह में और देह के भी पार संकल्पों का एक आभा मंडल बन गया है। महसूस करें मेरे शक्तिशाली संकल्प दृष्टि को शक्तिशाली आत्मिक दिव्य बना रही है। हर शब्द को वरदानी, हर कर्म को सिद्धि स्वरूप बना रही है। कोई व्यर्थ नहीं, कोई मैल नहीं, बिल्कुल पवित्र। मेरे इसी शक्तिशाली सिद्धि स्वरूप स्थिति का यादगार भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराता है। अंदर तक अनुभव करें संगम योगी प्रत्येक संकल्प के
महत्व को जो संपूर्ण कल्प का आधार बन रहे हैं।